नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जिसमें आपका GDCE की तरफ से वैकेंसीज है जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जारी किया गया है, यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच रोड कोलकाता की तरफ से ये वैकेंसी आई है, जिसमें लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोको पायलट के लिए ITI डिप्लोमा वगैरह या डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बाकी ट्रेन मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन आपका पास आउट रहना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिसको दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया, जो कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि RRC की तरफ से वैकेंसीज है। और यहाँ पर देख सकते हो गार्डन रिच रोड बेंगलोर नंबर 12A कोलकाता, यानी कि जॉब लोकेशन आपका कोलकाता नजर आने वाली। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर www.rrcser.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप चेकआउट करके इनकी जो है फुल नोटिफिकेशन वगैरह जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट के बारे में, तो ये जो रिक्वायरमेंट है जनरल डिपार्टमेंटल कंपिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के लिए वैकेंसीज है, यानी कि जनरल डिपार्टमेंट एक कंपिटिटिव एग्जाम करने का मतलब है कि जो रेलवे में वर्किंग में है तो उनके लिए वैकेंसीज है, यानी कि डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो आपका लोको पायलट और असिस्ट जो है ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आपका रहने वाले, जिसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ जनरेट कर सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया था आप यहाँ पर देख सकते हो 13/5/2024 यानी कि 13 मई को रिलीज किया गया था। और इनकी ऑफिशियल जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट पर जो है वो आपका 13 मई से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 12 जून तक दिया गया, यानी कि फॉर्म जो है वो आपका 13 मई से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 12 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट आपका लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज है, जिसमें यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर जो है टोटल जो सीट है वो आपका 827 सीट है, जिसके लिए आपका जनरल के लिए 420 है, SC के लिए 129 है, ST के लिए 74 है और OBC के लिए 204 है। इस तरह से टोटल 827 पोस्ट है, जिसमें आपका पे ग्रेड 5200 से लेकर 20200 तक रहेगी, प्लस आपका ग्रेड पे आपका 1900 रहेगा, पे लेवल 2 और 7 CPC आपका रहने वाली है। ठीक है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के साथ या 12th के साथ अपने अगर ITI रिलेवेंट ट्रेड से, जिसमें आपका ITI NCVT हो या SCVT, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर ट्रेड दे सकते हो कॉयल वेंडर से, आपका आर्मेचर एंड कॉयल वेंडर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर, हीट इंजन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से विलवृत है, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर और ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह से रिलेटेड यहाँ बहुत सारे ट्रेड दिया गया, वायरमैन वगैरह, इस रिलेटेड ट्रेड्स आपने अगर ITI किए हैं और या अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, या 3 ईयर्स का आपने अगर डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह से किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास BBTEC कोई डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंगल स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो वैकेंसीज आया उसके बारे में। ये जो वैकेंसीज है आपका ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज यानी गुड्स गार्ड्स की वैकेंसीज है, जिसमें आपका जो है 5200 से लेकर 20200 तक सैलरी रहेगी, ग्रेड पे आपका 2800 रहेगा और पे लेवल जो रहेगा 5 रहेगा, 7 CPC। ठीक है, जिसमें आपका टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है 375 सीट है, जिसमें आपका OBC जनरल के लिए 188, SC के लिए 59 है और ST के लिए 27 है और OBC के लिए 101 वैकेंसी, टोटल 375 सीटें हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से रहना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, तो कोई भी अपने जो है ग्रेजुएशन आर्ट्स कॉमर्स या साइंस इनमें से किसी भी स्ट्रीम से कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा, दैन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस भी उन्होंने मेंशन दे रखा है। आप बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, यहाँ पर देख सकते हो ओनली एलिजिबल सर्विंग रेगुलर या परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय, तो जो
रेलवे में इम्प्लॉय हैं परमानेंट बेसिस रेगुलर बेसिस पर, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें भी आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे द एम्प्लॉय शुड बी ड्राइंग ड्राइविंग ए पे ऑफ सब्सटेंटिव बेसिस इंक्लूडिंग MACP ADHOC प्रमोशन ETC वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट या ब्रांचेस ऑफ SDQRS डिवीजन या वर्कशॉप यूनिट इन ग्रेड पे लेवल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। तो जो कैंडिडेट साउथ ईस्टर्न रेलवे वगैरह में एम्प्लॉय हैं और या अभी वर्किंग में हैं, और आप अगर यहाँ से जो है अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, यानी कि प्रमोशन करने का मतलब कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल के हर साल वैकेंसीज आती है जिसमें आपका लोको पायलट रहता है, ट्रेन ऑपरेटर रहता है, टेक्नीशियन का रहता है। तो यह भी जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे से लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज है। तो आप अगर वहाँ पर वर्किंग में कर रहे हैं तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है, आपने अगर ITI किए तो आप लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप जो है ट्रेन मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यार ये वैकेंसीज ओनली साउथ ईस्टर्न रेलवे के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन दे रखा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंटल की वैकेंसीज है तो आपको 18 से लेकर 42 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए OBC के लिए 18 से 45 है और SC ST के लिए 18 से 47 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एज की काउंटिंग आपका 1/7/2024 से करी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जरूर फॉर्म भरिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने सारी चीज़ें बता दिया, और वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12/6/2024 तक वो कैंडिडेट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन फी वगैरह आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट फ्री ऑफ फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जिस तरह जो भी पोस्ट दिया है उसके अनुसार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। अगर बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो इसमें सिंगल स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। और ट्रेन मैनेजर भी काफ़ी सेम ही है, सिंगल स्टेज में आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, देन इसके बाद आपका फाइनेंस शॉर्टलिस्ट होकर सिलेक्शन करी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई कैसे करना है ये सारा प्रोसेस उन्होंने दे रखा है, सारे डिटेल्स तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर, जय वंदे मातरम।